माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और इथर के बारे में देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में कार्बोनाइल कंपाउंड का अध्ययन करेंगे। देखते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड होता क्या है। तो सबसे पहले कार्बोनाइल कंपाउंड, ये कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोनिल यौगिक होता क्या है। क्या है कार्बोनिल यौगिक, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। वैसा यौगिक जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप उपस्थित हो, ध्यान रहे, दैट कंपाउंड विच कंसिस्ट कार्बोनाइल ग्रुप। अगर यही बात कार्बोनाइल ग्रुप का, क्या होता है कार्बोनाइल ग्रुप, तो उस चीज को समझिए। कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड के साथ ओ जुड़ा रहेगा और बाकी कार्बन का जो दो हाथ है वो खाली है। यह है कार्बोनाइल ग्रुप, CO और दो हाथ खाली। कार्बन चतुसंयोजकता को दिखाएगा, अर्थात कार्बन का चार हाथ, चार बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, ये चार बॉन्ड, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इनके दो बॉन्ड जो है वो खाली है। दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनिल समूह, और जिसमें ये कार्बोनिल समूह उपस्थित रहता है उसी को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। तो रही बात कार्बोनाइल कंपाउंड का, तो कौन कौन से इसका एग्जांपल हो सकता है, अब उसको देखें। तो ये है कार्बोनाइल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड के साथ वो जुड़ा है और इधर दो हाथ खाली था। अब ऐसा है कि जब दो हाथ खाली है तो एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ गया हो, और जो एक हाथ खाली है इधर अल्काइल ग्रुप जोड़ा जा सकता है। नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, जितना भी मन करे उतना कार्बन इधर जोड़ सकते हैं। तो यहां पे देखिए CHO, और इस तरह से जो कंपाउंड का निर्माण हुआ है इस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे एल्डिहाइड, इस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे एल्डिहाइड। इसी प्रकार से और भी देखें, सी डबल बॉन्ड के साथ वो जुड़ा है और इनके दो हाथ खाली है, यह है कार्बोनाइल ग्रुप। और इस कार्बोनाइल ग्रुप में अगर ये दोनों हाथ खाली है और इस दोनों हाथ में हाइड्रोजन ना जुड़े, ये दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़े जा सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, अगर दोनों तरफ कार्बन जुड़ता है तो इस प्रकार से जो नया कंपाउंड बनेगा ये कंपाउंड कहलाएगा कीटोन। सेम इसी प्रकार से आगे कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड सी डबल बॉन्ड के साथ ओ है और ये दो हाथ खाली था कार्बोनाइल ग्रुप में, अब ये जो दो हाथ खाली है, दो बॉन्ड जो खाली है, इस बॉन्ड में एक के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाए OH, और एक हाथ जो खाली है इधर, एक बॉन्ड इधर, नंबर ऑफ कार्बन जोड़े जा सकते हैं अल्काइल ग्रुप, इधर कार्बन की संख्या को जोड़ा जा सकता है। और इस तरह से जो कंपाउंड का निर्माण होता है इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सब कार्बोनाइल कंपाउंड का उदाहरण है। तो ध्यान रहे कार्बोनाइल कंपाउंड हम लोग शुरुआत किया था, कार्बोनाइल कंपाउंड हिंदी होता है कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक, तो कार्बोनिल यौगिक का परिभाषा कि वैसा यौगिक जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप उपस्थित हो, अर्थात CO, जिसमें CO ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप उपस्थित होता है उसी को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। दैट कंपाउंड विच कंसिस्ट
कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सी एच ओ एल्डिहाइड, सी डबल ओ सी ओ कीटोन, सी डबल ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इसी के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले इन तीनों का नामकरण देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, 10+2 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है, इस कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन का प्रसंस्करण क्या होगा। तो ध्यान रहे, यहां पर एक कार्बन, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड या एक सिग्मा, यहां पर भी एक सिग्मा, और सिंगल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिग्मा बॉन्ड, इन मल्टीपल बॉन्ड वन इज सिग्मा एंड अनदर इज पाई। ध्यान रहे बच्चे, कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सभी सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, तो सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड कहलाया, और जब एक से ज्यादा बॉन्ड हो जाए, अर्थात जब मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल, तो उस स्थिति में एक सिग्मा होता है और बाकी पाई होता है। आप लोगों को शुरुआत के क्लास में, जब शुरुआत में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया गया था बेसिक, उसमें बताया गया था कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सभी के सभी सिग्मा होता है, और जब डबल बॉन्ड हो जाए या जब ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो उस स्थिति में एक सिग्मा होता है, और जो बाकी जो बचते हैं वो पाई बॉन्ड होता है। तो ध्यान रखना है कि सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, और जब एक से ज्यादा बॉन्ड हो जाए, अर्थात जब मल्टीपल बॉन्ड हो, उस स्थिति में एक सिग्मा और बाकी सब पाई। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसलिए एक सिग्मा और एक पाई हो गया। तो यहाँ पे कार्बन देखें तो 1, 2, 3, ये 3 सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ है, और जब 3 सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ है तो इसका प्रसंस्करण हो जाएगा sp2। तो ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट 10+2 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन, कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन का प्रसंस्करण होता है sp2। तो मेरे बच्चे, माय डियर स्टूडेंट, हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे, तो कार्बोनाइल कंपाउंड का ये इंट्रोडक्शन, अब इसी के बारे में हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड का नामकरण, फिर पढ़ेंगे कीटोन का नामकरण, फिर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण।